हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कंसीडरेशन। अगर हम बात करें क्वांटम लॉ की, तो कंसीडरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अगर मैं कंसीडरेशन सिंपल टर्म में आपको समझाऊं, तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर इंडिविजुअल ए है, वो किसी बी पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है दो लोगों के बीच में, उसके बीच में एक टर्म उस कॉन्ट्रैक्ट को पावरफुल करने के लिए, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, एक चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। सपोज मैं एक शॉप पे गया और मैंने 10 रुपए के कुरकुरे खरीदे, मतलब 10 रुपए के कुरकुरे खरीदे, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? वो 10 रुपए के कुरकुरे। और शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन क्या है? दैट वो 10 रुपीज जो मैंने सम पे किया है वो कुरकुरे पाए करने के लिए, ठीक है? तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2D में, ठीक है? सेक्शन 2D बात करता है कंसिडरेशन की, जो की बात करता है वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। किसके डिजायर पे क्रिएट हुआ है? डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या कर रहा है वो मोटी मोटी दो चीजें कर रहा है इसमें, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो कर रहा है या उसे रोक रहा है, या डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है? या तो नहीं कर रहा है या फिर उसे करने नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी चीज वो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके बीच में एक टर्म, एक चीज होनी चाहिए कंसिडरेशन। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है या नहीं परफॉर्म करना चाहता, उसमें क्या आएगा? कंसिडरेशन आएगा। कंसिडरेशन होना चाहिए वहां पे, ठीक है? तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कंसिडरेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? अब सेक्शन 2D में जो डेफिनेशन है, वो मेनली दो चीजों की बात करती है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, वो पास्ट भी हो सकती है, वो प्रेजेंट भी हो सकती है, वो फ्यूचर में भी हो सकती है। जैसे कि मैंने पास्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी कंसिडरेशन, या फिर कंसिडरेशन मैंने पास्ट में कुछ दे दिया था और मैं कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में कर रहा हूँ, या फिर मैं प्रेजेंट में मैंने 10 रुपए के कुरकुरे खरीदे, मैंने उसे सम पे किया, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस कुरकुरे लेकर आ रहा हूँ पर बोल रहा हूँ मैं पेमेंट जो है वो फ्यूचर में करूंगा, ठीक है? तो ये तीनों तरीके की कंसिडरेशन हो सकती है। और पास्ट कंसिडरेशन इज वॉइड अंडर द इंग्लिश लॉ, ठीक है? इंग्लिश लॉ के अंदर पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होती है, ये इंडियन लॉ के अंदर ही वैलिड होती है, ठीक है? अगर हम बात करें असेंशियल एलिमेंट की ऑफ कंसिडरेशन, असेंशियल एलिमेंट्स किसी भी, अगर कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसके असेंशियल एलिमेंट्स हमें जरूर पढ़ने चाहिए, उससे हमें उस टॉपिक की और ज्यादा क्लियरिटी होती है। तो यहाँ हम कंसिडरेशन की बात करें, तो कंसिडरेशन के असेंशियल एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो डिजायर किसकी? प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होनी चाहिए, ठीक है? सपोज मैंने आप प्रोमिसर कौन होता है? जो कि ऑफर करता है, जो कि ऑफरर होता है, ठीक है? प्रोमिसर और प्रोमिसी, ठीक है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, तो रिमाइंड दैट कीप इन योर माइंड, ठीक है? इसको साथ लेके चलना है, पीछे का कुछ भी नहीं छोड़ना है और न्यू न्यू टॉपिक्स को समझते हुए चलता है, ठीक है? ठीक है, तो किसकी? उसकी डिजायर से डिस्कस होगी कि क्या कंसिडरेशन है जो ऑफर मेड कर रहा है उसकी, ठीक है? कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तीनों तरीके की हो सकती है, ठीक है? और इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन नहीं होती है, केवल इंडियन लॉ में होती है, ठीक है? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। सपोज मैं 10 रुपए के कुरकुरे के चक्कर में, कुरकुरे के बदले में मैं उसे ड्रग्स दे रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी इमोरल चीजें दे रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, ठीक है? अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, कोई कंसिडरेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, ठीक है? कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड मेनली बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन इज इनएडुकेट, ठीक है? अगर कंसिडरेशन इनएडुकेट होगी तो वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है? कंसिडरेशन मस्ट बी सम वैल्यू, कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि 10 रुपए हमारी वैल्यू है, 10 रुपए के क्या खरीदे हमने? कुरकुरे खरीदे, तो और कुरकुरे, तो कोई वैल्यू होनी चाहिए कंसिडरेशन, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज क्या है? एक्सेप्शंस।
हम बात करें एक्सेप्शंस की, सेक्शन 25 एक्सेप्शंस की बात करता है, ठीक है। एक्सेप्शंस कैसी एक्सेप्शंस, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो भी एग्रीमेंट्स बनते हैं, ठीक है, वो वॉइड होते हैं। वॉइड वॉइड कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो इनलीगल होते हैं, जिनको कोई भी वैलिडिटी नहीं मिलती है। अगर कोई भी एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिगर होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन है तो तब भी वो एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? सब एक्सेप्शन 1 है हमारी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सपोज मेरी ही शॉप है, शॉप पे जो गिफ्ट जो भी कोई सामान लेने आया है वो मेरे ही फैमिली मेंबर है, तो क्या हुआ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चक्कर में अपने फैमिली मेंबर से थोड़ी ना पैसे लूंगा। तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि एक्सेप्शन है एक, कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहां पे कंसिडरेशन प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्या है एक्सेप्शन नंबर 2, वो क्या बात कर रहा है, पोस्ट वॉलेंटरी सर्विस। अगर किसी ने कोई पोस्ट, मतलब कि पोस्ट मीन्स कि जो जा चुकी पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम नहीं, मतलब कि पहले कोई ऐसी सर्विसेज दी है, ठीक है, तो उसके बदले में वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी क्या होगा, वैलिड होगा। ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक तरीके से ये पास कंसिडरेशन में आ गया ना, ठीक है। तो इसलिए हमारे इंडियन लॉ में पास कंसिडरेशन को वैलिडिटी दी गई है, ठीक है। पर वो जो सर्विस है, ठीक है, वो वॉलेंटरली होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे सिर्फ इसीलिए नहीं करी वो सर्विस कि भाई फ्यूचर में मैं इसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं उसमें कंसिडरेशन नहीं दूंगा, मतलब वॉलेंटरली उसने कोई सर्विस दी थी और अब वो उसको कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। वो उसकी उसने प्लान्ड करके नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नॉन प्लान्ड हो, ठीक है। हमारी थर्ड एक्सेप्शन क्या है, टाइम बार डेप्थ। अगर किसी डेप्थ में टाइम बार लगा दिया है, ठीक है ना, अगर किसी वैसे तो नॉर्मली सारे डेप्थ टाइम बार्ड होते हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियन लिमिटेशन एक्ट है उससे सब टाइम बार्ड होते हैं। लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो हम उस अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके प्रोविजंस होते हैं। अभी के लिए हम ये लेते हैं कि अगर किसी डेप्ट पे टाइम बार्ड लगा हुआ है, ठीक है, वो बाद में उसे प्रॉमिस करता है, आ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट इन इनफोर्सेबल, ठीक है, वो उस टाइम बार्ड डेप्ट की वजह से वो क्या हुआ, वो कैंसिल हो गया, अब वो उसे पे नहीं करेगा उसके बाद, ठीक है, टाइम पूरा होने के बाद, पर उसने उसको रिन्यू कर दिया, ठीक है, इनफोर्स में ले आया, तो वहां पे उसे फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों हमारी एक्सेप्शंस हैं जहां पे उसे ये फॉलो करके नॉन विदाउट कंसिडरेशन वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम कंसिडरेशन की बात करें और हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। विदाउट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इट इज अ कॉमन लॉ प्रिंसिपल, ठीक है, ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल है विच इम्पेल्स दैट ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अलाउड टू सू। जो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो उन्हीं को केवल राइट है एक दूसरे को क्या करने का, इनफोर्स करने का, क्या भाई, एक दूसरे के अगेंस्ट अपने राइट्स को इनफोर्स करने का। मतलब कि सिर्फ जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वो ही केस कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे पार्टी ए है, ठीक है, तो वो क्या है कि बी पर पार्टी ए ही केस कर सकती है, सी नहीं कर सकता। सी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ए ही बी पे केस कर सकता है, सी नहीं कर सकता, सी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है केवल उन्हीं के पास ये राइट है कि वो क्या है, केस फाइल कर सकती हैं, ठीक है। तो दिस रूल ऑफ प्रिविटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी पे बेस्ड है ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे इंटरेस्ट थ्योरी पे बेस्ड है, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट थ्योरी पे बेस्ड है ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको आप एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूंगा ये वाला टॉपिक। करण मेक्स अ प्रॉमिस टू राहुल टू डिलीवर सर्टेन गुड्स। करण ने राहुल को प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये कुछ गुड्स हैं, कुछ भी XYZ कोई भी गुड्स मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। इफ करण ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट देन ओनली राहुल हैज अ राइट टू सू हिम, ठीक है। अगर करण ने वो गुड्स उसको डिलीवर नहीं करे और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो केवल राहुल के पास राइट है
टू सू हिम, उसके अगेंस्ट केस करने का। नो अदर पर्सन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट करण, करण के अगेंस्ट कोई और सूट फाइल नहीं कर सकता। केवल किसके पास ये राइट है? राहुल के पास है, और किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ये क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखिए, लॉ विदाउट एक्सेप्शंस इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर आपको लॉ अच्छे से समझना है तो आपको एक्सेप्शंस भी अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सेप्शंस हेल्प करती है एक पर्टिकुलर सेक्शन या एक पर्टिकुलर लॉ को अच्छे से डीपली समझने के लिए, क्योंकि लॉ सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन सिचुएशन चेंज होता रहता है, लॉ सब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए लॉ में एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस टू प्रिविटी, जो हमारा हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिविटी पढ़ा, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं? ट्रस्ट और चार्ज। अगर हमने किसी का कोई ट्रस्ट या चार्ज किसी प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया है, ठीक है, सपोज एक लैंड है, ठीक है, वो लैंड जो है चैरिटेबल पर्पस के लिए थी, उस पर हमने कोई ट्रस्ट और चार्ज किसी थर्ड पार्टी का क्रिएट किया है, तो वहां पर वो सू कर सकती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हमने कोई कंडक्ट, कोई एक्नॉलेजमेंट या फिर कोई एडमिशन से किसी पार्टी को ये राइट दिया है कि भाई वो क्या कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है, तो वहां पर उसके पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, वी लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो मैरिज सेटलमेंट्स, ठीक है, पिटीशन फॉर अ फैमिली अरेंजमेंट्स, ठीक है, जितने भी फैमिली से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, तो वहां पे पूरी फैमिली के लोगों का राइट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में सू करने का। वहां पे उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और हमारा फोर्थ पॉइंट है बेनिफिशियरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? ज्यादातर बेनिफिशियरी माइनर्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर लुनेटिक पर्सन, वो पर्सन जो लॉ में कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो सारे पर्सन क्या हैं? इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, वो जैसे कि सपोज माइनर था तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, तो वो बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, पर फ्यूचर में जब वो मेजर हुआ तो उसने क्या किया, केस फाइल किया और फिर अपना जो उसका राइट था वो उसने कर्टेल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेप्शंस है कि भाई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर फिर भी वो क्या कर रही है, केस फाइल कर सकती है। ठीक है, नन पैक्टम, इट इज अ नेकेड प्रॉमिस और एग्रीमेंट विदाउट अ कंसिडरेशन एज गिविंग अंडर सेक्शन 25। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25, कोई भी एग्रीमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस इलस्ट्रेशन से आपको इजीली समझ आएगा, राम प्रॉमिस टू पे लक्ष्मण रुपीज 7,000 70,000 फॉर नथिंग, दिस इज अ बेयर प्रॉमिस एंड हेंस नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, उसने कंसिडरेशन में उसने बस उसको ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे को 70,000 रुपये दूंगा, बट उसके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ये, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं था। 70,000 के अगेंस्ट उसको कोई और कंसिडरेशन नहीं मिल रहा था, तो ये क्या है, इन इनफोर्सेबल है, कोर्ट में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये हमारी कोई भी एक्सेप्शंस की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आप पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज ओपन है आपके लिए कमेंट सेक्शन, आप वहां पे अपने रिव्यूज दीजिए, और आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियोस में इम्प्रूव करें तो आप सजेशंस भी दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।